He's going for it. It's a six. यार वैसे तो इनकी पर्सनालिटी बड़ी शाय है, कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन 13 साल की उम्र में लव स्टोरी की शुरुआत कौन सा शाय बच्चा करता है यार? 13 की मैं स्टार्ट नहीं हुई थी। नहीं, वो एक्चुअली 13 में क्रश आया था। 13 में तो हम फर्स्ट टाइम मिले थे। हाँ। तो तब तो वी वर लाइक भाई बहन जैसे। पर थे नहीं। तो रन अप कब लेना शुरू किया आपने इस स्पेल के लिए? मैंने तो तभी लेना शुरू कर दिया था पर बैट्समैन को नहीं पता था। मतलब उस टाइम पे पता नहीं है कि चीजें क्या होती हैं क्या नहीं, बट आप एक साथ खेलते हैं या कुछ हो, जो भी है खेलना या आसपास घर में आना जाना, तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। बट उस टाइम पे नहीं पता था कि ये लाइकनेस या क्रश होता क्या है, बट एक दूसरे के साथ खेलना अच्छा लगता था या कोई भी गेम खेलना, स्पेशली वो बहुत गेम खेले, वो स्टैपू जो होता था वो डाल के पता है ना बॉक्स टाइप में नंबर, वो बहुत गेम खेला। मैं खिलाती थी बेसिकली, मैं सिखाती थी बचपन से ही। बॉस चीटिंग करता था खेलते वक्त? अभी भी बहुत करता है, बहुत। तो मतलब मैं बोलती हूँ कि हाउ आर यू अ स्पोर्ट्स पर्सन, कि मतलब इतना चीटिंग हर गेम में, रूल्स चेंज हो जाते हैं अगर अपने ऊपर बात आए तो। ये ट्यूनिंग एक्चुअली जमी किस जमाने में? एक्चुअली एक टाइम बाद हुआ क्या कि ये कॉलेज आ गई, मेरा क्रिकेट मतलब मैं स्टेट के लिए खेलने लगा तो ट्रैवल होता था, तो ऑलमोस्ट हम लोग मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं थे। बार मिलते थे बहुत कम, वो भी कब ओकेशन पे कि होली जलना या दिवाली पे, इस तरीके से। बट फिर एक टाइम बाद हुआ फेसबुक में इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, बहुत बहुत डेस्परेट थी उस रिक्वेस्ट में कि आई एम डेस्परेट, तो मैंने ऐड कर लिया। प्लीज डोंट लाइक मी, ठीक है चलता है। तो जब ये इंडिया खेला तो तेवर बदले थोड़े से? हाँ बहुत। किस पे में? किस पे में? तेवर नहीं बट बहुत बिजी रहने लगा था। हाँ, एक्सट्रीमली। फिर बहुत प्रॉब्लम्स आई, लड़ाई हुई, रोना गाना हुआ। हाँ तो जब टाइम डिफरेंस होता था उसमें प्रॉब्लम होती थी, लड़ाई होती थी, बट जब जिस दिन मैच नहीं होता या प्रैक्टिस नहीं होती, ऑफ डे होता, तो उस दिन बात करके मनाना, कुछ ऐसी चीज़ें बोलने की, बटर मक्खन लगाना। जब मेरा ऑफिस स्टार्ट हुआ तब फिर भूवी मेरे आगे पीछे चक्कर काटती थी कि प्लीज थोड़ा टाइम दे दो। तब फिर ये होता था कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तू तो बातें नहीं करती है। बट मैं कभी कभी ना जानबूझ के करता था कि फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं बिजी हूँ, मुझे पता है ये भी बिजी है, मैं होता इक्का फेंक ना, इक्का फेंक दिया मैंने। हाँ मैं भी बिजी हूँ, मुझे पता है ये भी बिजी है, बट मैं बदला ले रही थी बस कि जानबूझ के मैं बात नहीं करूँगी। वो कौन सी उम्र थी जब आपको लगा कि यार ये कुछ करेगा? क्योंकि जब आप इसको जानते थे तब तो ये इंडिया वाला स्टार नहीं था। मुझे नहीं लगा, सबको औरों को लगता था, फैमिली फ्रेंड्स आसपास के लोग, मुझे पता ही नहीं था कि क्या है क्रिकेट, क्या खेलता है क्या नहीं। हम एक बार ऐसे ड्राइव पे जा रहे थे, हमें से मिलना आया था, तो इसने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि क्रिकेट के बाद क्या करोगे। मतलब मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट में भी ऐसे इतना इजी है करियर बनाना कि इजी मतलब इजी मैं खेल गया तो इजी इजी से मेरा मतलब कि एक रणजी के बाद है जाना था स्टेप या कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता था। हाउ डू यू स्पॉट व्हेन ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड कि यार लेट हिम बी, आज ठीक नहीं है मूड उसका? मूड ठीक नहीं है तो वो मतलब चुप रहेगा, कुछ बात नहीं करेगा ज़्यादा, अपने उसमें बिजी, और छोटी छोटी बातों पे थोड़ा कभी कभी इरिटेट हो जाना कि हाँ ठीक है बात नहीं करना, तो तब मैं समझ जाती हूँ। जैसे वर्ल्ड कप के बीच में कुछ हो गया तो तब कि ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा, जब वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई तो मुझे पता था कि ही विल नॉट बी हैप्पी, बट ठीक उससे ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ एक्चुअली कि भूवी ऐसे कैसे हो गया, तो अपने आप फिर वो लाइटन हो जाता है कि यार ये ज़्यादा परेशान है, तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। आप लोग दोनों कपल गोल सेट कर रहे हो दुनिया के लिए। हाँ मजाक भी है, मस्ती भी है, मतलब मजाक ज़्यादा है, सीरियसनेस भी है। सीरियस तो ज़्यादा नहीं, नहीं बट हाँ कभी कभी वो लड़ाई में बस। हाय मैं हूँ भुवनेश्वर कुमार, मेरी कहानी मेरी जुबानी, देखिए स्पाइसी पिच ऑन क्रिकबज़।